हरियाणा के जिले रोहतक में MIT स्थित ऑटो फैक्ट्री में सोमवार सुबह ब्लास्ट हो गया। आपको बता दें कि हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 मजदूर घायल बताया जा रहा है, जिसे उपचार के लिए रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल व प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रमेश व विजेंद्र के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आपको बता दें कि इस हादसे में घायल सच्चिदानंद वासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश PGI में भर्ती है। वहीं हादसे का पता लगते ही आसपास के लोग भी घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। घायलों को उपचार के लिए रोहतक PGI ले जाया गया। प्राथमिक जांच में रमेश व विजेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। घायलों में अभी विवेक और सच्चिदानंद की पहचान हुई है। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया है। सभी कर्मचारी एकजुट होकर कंपनी से बाहर आ गए और गेट बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।